A very good morning to all of you. Moving further on fluid mechanics, हम लोग आज प्रेशर मेजरमेंट पर बात करेंगे. इनफैक्ट वी वुड टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स used for measuring pressures. Okay, today we are going to understand various instruments used for pressures. जिसमें एक term आपको याद रखना है, very important, manometer. Okay. तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ मैनोमीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ अ सिस्टम. ओके, और प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टम्स. ओके, हम लोग बात एक फ्लूइड की कर रहे हैं. हम लोग देखेंगे कि वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के में क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे. ओके, तो मैनोमीटर को यू कैन सब डिवाइड. ओके, मैनोमीटर को यू कैन बेसिकली सब डिवाइड और बेसिक्स क्लासिफिकेशन अगर बोलोगे तो एक होगा सिंपल मैनोमीटर. ओके, और एक होगा डिफरेंशियल मैनोमीटर. ओके, सिंपल मैनोमीटर में हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे, जिसमें होगा पहला पीजोमीटर. ओके, देन इट वुड बी यू ट्यूब मैनोमीटर, रादर वी कैन से सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर, सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर, एंड आवर थर्ड वन विल बी सिंगल कॉलम मैनोमीटर. सिंगल कॉलम मैनोमीटर. ओके, सिंगल कॉलम मैनोमीटर को फिर फर्दर हम लोग देखेंगे. एक होगा वर्टिकल कॉलम, मैनोमीटर, एंड देन वी विल टेक इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर. ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ योर कह सकते हो सिंपल मैनोमीटर. एंड फॉर डिफरेंशियल मैनोमीटर वी विल सी डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर. वी विल सी डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर एंड द अदर वन इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर. तो अगले चार से पांच लेक्चर्स में हम लोग बेसिकली मैनोमीटर के बारे में बात करेंगे. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आई मीन इम्पॉर्टेंट फॉर योर गेट एग्जामिनेशंस, इम्पॉर्टेंट फॉर योर करिकुलम एग्जामिनेशंस, ओके, एकेडमिक एग्जामिनेशंस, एंड इवन फॉर SSC जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन. Okay, have a look on it. So our first agenda will be piezometer. Okay, our first agenda will be piezometer, rather piezometer, whatever you can say, and it is the instrument to measure pressure. I would suggest you all keep इस लेक्चर को देखने से पहले वो कैपिलैरिटी वाले लेक्चर को आप जरूर देखेंगे.
क्योंकि पीजोमीटर के डायमेंशन को इस तरह से लिया जाता है ताकि कैपिलैरिटी एक्शंस अवॉइड हो सके। ओके इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ अ सिस्टम। ओके इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, सीखेंगे हम लोग व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड। ओनली वैलिड फॉर लिक्विड्स, ओके ओनली वैलिड फॉर मॉडरेट प्रेशर्स। ओके यू कैन से इट कैन नॉट मेजर हाई प्रेशर्स, रादर इट कैन नॉट मेजर लो प्रेशर्स। ओके रादर यू कैन सी इट कैन नॉट मेजर वैक्यूम प्रेशर। आप लास्ट लेक्चर देख लेना, हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। खास बात, इट मेजर्स मॉडरेट पॉजिटिव गेज प्रेशर। ओके हम लोग देखेंगे ये बेसिकली ऐसा क्यों होता है, बट दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रो क्वेश्चंस, इसलिए आप इसको दिमाग में रखोगे। ओके नाउ लेट अस सपोज कि ये एक पाइपलाइन है, ओके और इसके भीतर में एक फ्लूइड है एंड आवर टारगेट इज टू फाइंड द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। लेट दिस बी द सेंटर, रादर दिस बी द डायमीटर लाइक दिस। ये हम लोग सेंटर अज्यूम कर ले रहे हैं। ओके लेट दिस बी द सेंटर एंड लेट प्रेशर ऑफ द सिस्टम बी पी सिस्टम। ओके दैट मीन्स वी आर टेकिंग पी सिस्टम इज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। वी विल यूज द फॉर्मूला पी इज इक्वल टू रो एच जी, जिसका डेरिवेशन अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोग लास्ट 2-3 लेक्चर से यूज कर रहे हैं। ओके सो वी वुड यूज हियर ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करने वाले हैं, जहां पर रो होता है डेंसिटी, एच होता है प्रेशर हेड एंड जी इज योर ग्रेविटी। तो आज भी हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। ओके अब इस पे हम लोग लगा दिए एक पीजोमीटर, दिस इज अ पीजोमीटर। ओके तो इसके डायमेंशन को इस तरह से लिया जाता है कि कैपिलैरिटी एक्शन इसमें नहीं हो, मतलब इसका डायमेंशन बहुत अगर कह सकते हो कम रहा, नैरो रहा, तो वो कैपिलैरिटी एक्शन इसमें आ जाएगा। ओके तो सो टू अवॉइड दैट हम लोग कैपिलरी ट्यूब से कह सकते हो ब्रॉडर इससे ज़्यादा डायमेंशन के ट्यूब को लेते हैं। बेसिकली ये एक ग्लास ट्यूब है, नॉर्मल ग्लास ट्यूब, एक नॉर्मल ग्लास ट्यूब को ही हम लोग यहाँ पर लेते हैं। ओके और उसको इंसर्ट कर देते हैं इसके भीतर में, ऐसा अज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि पी ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन पी ऑफ एटमोसफियर। एटमॉस्फेरिक
प्रेशर के प्रेशर से सिस्टम का प्रेशर जो है वो अधिक है, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, तो इसके वजह से होगा क्या, ये राइज करेगा इस पे। लेट अस सपोज ये साइड तक राइज किया, तो आप देख पा रहे होंगे यहां से यहां तक का एक हाइट है, इसमें स्केल्स लगे होते हैं पीजोमीटर में, तो ये हाइट बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। हाइट, लेट हाइट बी एच। ओके, इसके डेंसिटी को हम लोग मान लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बी बी रो, एंड दिस इज योर पीजोमीटर। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके, तो जरा आप पी सिस्टम अगर कैलकुलेट करना चाहो, प्रेशर ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना चाहो, यहां पर आप देख पा रहे होंगे दिस इज योर पी एटमोसफियर, इसके भीतर में एटमोस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होगा। तो आप देखो इस पर्टिकुलर कॉलम जो यहाँ वाटर कॉलम है या लिक्विड का कोई कॉलम है, उसका अगर हम प्रेशर निकालना चाहें पी ऑफ सिस्टम, देन दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल इस लिक्विड कॉलम के वजह से जो प्रेशर है, दैट मीन्स रो एच जी प्लस दिस इज योर पी एटमोसफियर, ऐसा होना चाहिए। ओके, अब खास बात, वेन एवर वी कैलकुलेट गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर, ओके, देन पी एटीएम इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। आपको लास्ट लेक्चर याद आ रहा होगा, गेज प्रेशर आर ऑलवेज कैलकुलेटेड बाई टेकिंग पी ए टी एम एज अ रेफरेंस लाइन, ध्यान आ रहा होगा आपको। हेंस हम लोग पी ए टी एम को यहाँ पर क्या देखेंगे, जीरो देखेंगे, और पी ए टी एम को अगर आप जीरो देख रहे हो तो इस टर्म को अगर इग्नोर कर दिया जाए, जीरो मान लिया जाए, तो हमको यहाँ पर एक सफिक्स लगाना होगा गॉज। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि इस सिस्टम का गॉज प्रेशर कितना है, ओके, देन बहुत आसान है इसके हाइट को कैलकुलेट करना। ये तो आप पीजोमीटर के स्केल से ये वाला डायमेंशन कैलकुलेट कर पाओगे, एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द, या इनफैक्ट रेडियस ऑफ द कह सकते हो, अगर आपको डायमीटर पता है तो रेडियस भी आपको पता है। मतलब ये हाइट कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, और ये हाइट कैलकुलेटेड कैलकुलेट करना आसान है, ये तो वैल्यू आपको पता है ही, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, देन यू हैव रो, यू हैव एच एंड यू हैव जी, जी इज 9.81, हेंस पी सिस्टम इनफैक्ट गॉज विल बी इक्वल टू रो इनटू एच इनटू जी। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट नाउ। I hope this particular point is now clear. Only valid for liquid. अब पीजोमीटर में गैस राइज करेगा तो वो तो विजिबल होगा ही नहीं, तो हम वो स्केल पर मेजर नहीं कर पाएंगे। मतलब इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लिक्विड्स, फाइन। ओनली वैलिड फॉर मॉडरेट प्रेशर, आप जरा कॉमन सेंस लगाना, अगर इसका प्रेशर बहुत हाई हुआ तो ये पीजोमीटर ट्यूब से बाहर निकल जाएगा। इसका भी लिमिटेशन होता है, इसके लेंथ को आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हो, तो वो बाहर निकल जाएगा अगर प्रेशर बहुत हाई हुआ तब। अगर प्रेशर बहुत लो हुआ तो ये राइज करेगा ही नहीं, और राइज नहीं करेगा तो हम ये स्केल पर एच नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। हेंस आप यू कैन नॉट मेजर हाई प्रेशर्स, रैदर यू कैन नॉट मेजर लो प्रेशर्स। ओके, तो आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। इट कैन नॉट मेजर वैक्यूम प्रेशर, इज द सेम थिंग एज लो प्रेशर। आप लास्ट लेक्चर वेरीफाई कर लेना, देख लेना एक बार। हम लोग बात किए थे कि नेगेटिव
गेज प्रेशर इज बेसिकली प्रेशर ऑफ वैक्यूम. ओके, जब कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होता है तो ही हम लोग वैक्यूम प्रेशर की बात करते हैं. तो ये तो उसको कैलकुलेट कर ही नहीं पाएगा. तो ये बेसिकली कैलकुलेट क्या करता है, इट ओनली एंड ओनली मेजर्स मॉडरेट पॉजिटिव गेज प्रेशर. ओके, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. पीजोमीटर में इससे ज़्यादा आपको बेसिक लेवल पर और कुछ भी नहीं जानना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.